तो गाइस 242 हो गया है और हम पहुंच गए हैं अपना बिल्कुल नीचे, दिखा देते हैं। यहीं से एंट्री करी थी और सामने हमारी पार्किंग है और हम पहुंच गए हैं। सुरेंद्र भाई आ गए हैं और बहुत ही बढ़िया ट्रैक था आज का, बहुत ही एंजॉय किया कल। इस बिल्कुल डिफरेंट ट्रैक है ये और भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई है यहाँ पे। ये देखो जाम लग गया है, गाड़ियों का जाम लग गया है। ये पीछे भी सही टाइम पे आ गए हम और सही टाइम पे दर्शन कर लिए हमने। तो गाइस ये थी चोपटा की पार्किंग, तुंगनाथ ट्रैक वहाँ से शुरू होता है ये सामने, और अब हम जा रहे हैं बद्रीनाथ की तरफ। तो बद्रीनाथ तो आज पहुंच नहीं पाएंगे क्योंकि 3:45 हो गया है, लगभग 4 ही समझ लो, 4 बज गए हैं। अभी 3 या 4 घंटे राइड और करेंगे जहां तक जोशीमठ तक पहुंच सकते हैं, कहां पहुंचेंगे देखते हैं क्योंकि पहाड़ों में जो लंबा तो खींच नहीं पाएंगे। और आज का ट्रैक तो बहुत ही शानदार रहा, मज़ा आ गया। जो शानदार नज़ारे इस ट्रैक पे हैं वो वहाँ केदारनाथ पे देखने को नहीं मिले, बहुत ही शानदार था। सबकी अपनी अपनी मान्यता है लेकिन बहुत, सुबह जब हम आए तब इतनी भीड़ नहीं थी, इस समय तो दबा के भीड़ लगी हुई है। जाम देखो, 3:55 हो चुके हैं और हमने अपनी राइड शुरू कर दी है बद्रीनाथ के लिए, और ये मेरा चौथा धाम हो जाएगा। मैंने रामेश्वरम बाइक से कवर किया है, द्वारकाधीश मैंने बाइक से कवर किया है, उड़ीसा का जगन्नाथपुरी भी मैंने कवर कर लिया है। तो कल मेरे चारों धाम कंप्लीट हो जाएंगे बाइक से। हम चमोली के रूट पे हैं, यहाँ से 36 किलोमीटर अभी चमोली का डिस्टेंस है, गुप्तेश्वर 26 किलोमीटर। तो अभी ये दो डेस्टिनेशन आएगी लेकिन हम तो आगे बद्रीनाथ वाले रूट पे जाना है हमने, तो हम तो आगे निकल जाएंगे चमोली से, लेकिन देख लेंगे चमोली को भी। मैंने सब नए नए रूट देख लिए हैं और चोपटा तक बिल्कुल अप हिल चढ़ाई है और चोपटा के बाद बिल्कुल डाउन, अभी तक डाउन पे आ रहे हैं हम बिल्कुल। ये है मंडल विलेज जिसको हम क्रॉस कर रहे हैं, चोपटा के बाद ये फर्स्ट विलेज आया है मंडल, जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट में आता है। और चमोली यहाँ से 20-25 किलोमीटर और है, बीच में ये गाँव और आएगा। अब एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे जा रहे हैं हम, अब चढ़ाई शुरू हो जाएगी। तो ये चोपटा रोड मंडल है, चमोली 23 किलोमीटर अभी और आगे जाना है, और यहाँ पे भी होम स्टे रेस्टोरेंट सब कुछ मिल जाएगा, कैंपिंग फैसिलिटीज, लेकिन वेदर चोपटा का ज़्यादा बेटर है, ठंडा। ये देखिए बहुत ही शानदार व्यू, वाह वाह, और वहां से वाटरफॉल गिर रहा है, दिख रहा होगा शायद आपको, ये देखिए अब क्लियर दिख रहा है, बहुत ही बढ़िया वाटरफॉल है एक सामने। तो गाइस गोपेश्वर में हमने एंटर कर लिया है और यहाँ पे जाम लगा हुआ है एज यूजुअल, जो लगा रहता है हमेशा। यहाँ पे बड़ा तगड़ा जाम लग गया है, पिछले 5 मिनट से खड़े हैं हम, क्योंकि वन वे होता है, दोनों तरफ ट्रैफिक आ जाता है, ट्रैफिक ब्लॉक हो जाता है, तो इस वजह से जाम लग जाता है। और ये भाई ने हमारा अभी चैनल सब्सक्राइब किया है, क्या नाम है आपका? आदित्य। आदित्य आएगी आदित्य
फोन आ रहा मेरा तो। चमोली में पहुंच गए हैं और ये अभी आरएन ब्रिज को क्रॉस करेंगे, रिपेयरिंग सेंटर चमोली। तो ये आयरन ब्रिज क्रॉस करके हम चमोली की तरफ पहुंच जाएंगे। ये कौन सी रिवर है, नीचे नाम आ रहा होगा, आप देख लेना। ए भाई साहब निकल लो, चमोली की तरफ। हमारे बंदे कहाँ रह गए? तो चोपटा से चमोली तक बिल्कुल डाउन आना पड़ेगा आपको, गुप्तेश्वर तक। और ये चमोली आके अब आपकी ये चढ़ाई शुरू हो जाएगी। और यहाँ से बद्रीनाथ 95 किलोमीटर है, बद्रीनाथ राइट। चमोली से दो रास्ते जाते हैं, कर्णप्रयाग और बद्रीनाथ। लेफ्ट को हमने बद्रीनाथ के लिए मोड़ लिया है। तो ये सभी गाड़ियाँ आ रही हैं बद्रीनाथ से, तो बद्रीनाथ में भी रश मिलने वाला है। हम चमोली में पहुँच गए हैं और हमारे दो राइडर अभी रह गए हैं पीछे। कहाँ रह गए बाकी? क्या वो बस वाले ने एकदम गाड़ी पीछे कर दी? हाँ, वो बस सुरेंद्र भाई की, ये हमारी खड़ी है। वो कहाँ रह गए? और यहाँ पे लगभग 15-20 मिनट हमने रेस्ट लिया, पहला ब्रेक चोपटा के बाद। और मैंने अपना चश्मा वगैरह सब पैक कर दिया है क्योंकि अब अंधेरा होने वाला है, तो आगे आगे दिक्कत हो जाएगी। मेरे सारे 22 बंधु सब आगे जा चुके हैं। रुद्रप्रयाग से ये हाईवे आता है सीधा बद्रीनाथ के लिए। आपको अंदर सोनप्रयाग के लिए मुड़ना नहीं पड़ता अगर आपको बद्रीनाथ आना है। और चोपटा से भी रास्ता जाता है, लेकिन चोपटा वाला रास्ता यार अमेजिंग है, अमेजिंग हाईवे से, इस ट्रैफिक से तो बहुत बढ़िया रहा है। 93 बद्रीनाथ 89, जोशीमठ 45, तपोवन 60। तो जोशीमठ या तपोवन तक हम पहुंचने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कहां तक पहुंच पाएंगे। 93 भी जा सकते हैं, 5-6 बज गए हैं, 9 बजे तक बद्रीनाथ पहुंच सकते हैं। बिराई को क्रॉस कर रहे हैं धीरे धीरे, एक गांव, दो गांव, तीन गांव करते करते काफ़ी गांव हमने क्रॉस कर दिए हैं। ये हमारी तीन बाइक आगे चल रही हैं, एक सुरेंद्र भाई पीछे चल रहे हैं, हर्ष जो कि लखनऊ से हैं, और इसके साथ है छोटू पिलियन। बहुत बढ़िया बंदे हैं यार, बहुत नाइस बंदे हैं। गौरव भाई हैं इसके आगे और हैं मनोज भाई सबसे आगे। पीपलकोटी का एक है नयारा, फुल करना फुल। रूट बढ़िया है आगे बद्रीनाथ तक है, रूट अच्छा है, रोड अच्छा है, अच्छा है तो नहीं बीच में वो खराब है कुछ है। ठीक है, बाइक के लिए तो ठीक होगा। तो भाई हमारे पास अब है समय 2 घंटे 8 बजने में, और हमने कवर करना है 70 किलोमीटर बद्रीनाथ के लिए। तो सवाल ये है कि क्या हम 2 घंटे में बद्रीनाथ पहुंच सकते हैं? अगर रास्ता बिल्कुल बढ़िया मिला तो 100% पहुंच सकते हैं। अगर कहीं जाम मिल गया तो भाई नहीं, फिर कहीं पहले रुकेंगे। अगर ज़्यादा गैप नहीं हुआ तो फिर आधा घंटा और एक्सटेंड कर देंगे। तो हम कोशिश करते हैं 8 बजे तक हम पहुंच जाएं किसी तरह अपने डेस्टिनेशन पे। सामने देखिए बर्फ़ के पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, तो आई थिंक ये बद्रीनाथ के पहाड़ हो सकते हैं सामने। और ये सामने जाना बिल्कुल आपको, बिल्कुल जो सड़क नज़र आ रही है पहाड़ के साथ साथ, ब्लॉगिंग करना मुश्किल हो जाएगा, कुछ नज़र तो आएगा नहीं। जब तक रोशनी है तब तक ब्लॉगिंग करूँगा, फिर हम पहुँच के अपने डेस्टिनेशन पे फिर बात करेंगे। पहले जोशीमठ, फिर आगे देखते हैं। जोशीमठ तो क्रॉस करना ही करना है आज। भाई लोग देखो पंजाब से आए हुए स्कूटी पे हेमकुंड के लिए,
और बहुत सारे बाइकर्स मैंने देखे हैं जो पंजाब से हेमकुंड साहिब के लिए आते हैं। रियल राइडर गाइस सैल्यूट। और एक अपने बेटे को भी शायद लेके आए हैं साथ में, छोटा बच्चा है साथ में। तो ये काफ़ी लैंडस्लाइड एरिया है ये सारा, पता नहीं सफाई क्यों नहीं कराई हुई है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। ये सफाई अगर हो जाए तो ये जाम ना लगे हमारे इस रूट पे। अच्छा इस रूट पे टनल भी है, छोटी सी टनल। वाह वाह वाह, ये टनल पूरी टनल ही होना चाहिए ताकि ये जाम जूम का झंझटी ना हो। पिछले 2 किलोमीटर से ये सारा जाम लगा हुआ है एक साइड पे, यहाँ तक जाम है, देख लीजिए कहाँ तक जाम है। शुक्र है हमारा रूट खुला था, नहीं तो हमें आधा एक घंटा लग जाता यहीं पे ही, हो जाता हमारा बद्रीनाथ। जोशी मठ यहाँ से 10-12 किलोमीटर रह गया है और यहाँ पे तपोवन हाइड्रो पावर का काम चल रहा है, नीचे काफ़ी कंस्ट्रक्शन चल रही है। ये मेरे पीछे, तो जोशी मठ को तो हम क्रॉस कर देंगे आराम से। हम जोशी मठ पहुँच गए हैं और इसको क्रॉस कर रहे हैं। अभी रुकने का तो कोई इरादा नहीं है क्योंकि हमारा मेन टारगेट है बद्रीनाथ। हम अब सीधे ही जा रहे हैं बद्रीनाथ की तरफ और ये है जोशी मठ। गोविंद घाट 19 किलोमीटर और बद्रीनाथ 38 किलोमीटर और अभी जोशी मठ से ही उतर रहे हैं हम। हम 9 बजे पहुंच गए थे अपना बद्रीनाथ में और ये हमने होटल लिया है 4,000 रुपये में 6 लोगों के लिए और अच्छी डील मिल गई थी। किंग साइज 2 बेड हैं जिसमें 3-3 लोग सो रहे हैं और सामान रखने की भी स्पेस मिल गया है और बाइक पार्किंग के भी स्पेस मिल गया है। तो आज रात का तो यही प्रोग्राम है, अभी रेस्ट करके नहा धो के अपना लेट जाएंगे और सुबह जल्दी जल्दी लगभग 4-5 बजे तैयार होके फिर निकलेंगे बद्रीनाथ के दर्शन के लिए। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा तो प्लीज़ एक कमेंट करना और कोई भी मेरा नया व्यूअर्स है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अंत में दोस्तों, राइड हार्ड, राइड सेफ, वंदे मातरम, जय हिंद।